उत्तराखंड के चमोली में पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तेज बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का मलबा आने से कई गाड़ियां वहां पर फंस गई, तो मलबे में दबकर कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से नदी उफान पर है, मलबे से रोड बंद है, पानी में ट्रक डूबा हुआ दिखाई दिया और गाड़ियों को भी खासा नुकसान पहुंचा। लगातार बारिश और बारिश के बीच ये हालात। इतना ही नहीं, चमोली के जयकंडी के पास ट्रक अलकनंदा नदी के किनारे दलदल में फंस गया और बाद में तेज बारिश की वजह से अलकनंदा नदी के बढ़ते जलस्तर में वहीं ट्रक पानी में फंसा दिखाई दिया। ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, चमोली की ये तस्वीरें आपके सामने। तो लगातार बारिश से बिगड़ते हालात और इस सबके बीच लोग परेशान, हाईवे पर भी मलबा आ गया। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। ये उफनती नदी की तस्वीर आपके सामने। तेज बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का मलबा आने से भी कई गाड़ियां फंस गई, लेकिन इस सबके बीच जिस तरीके से बारिश हो रही है उसकी वजह से अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। और जानकारी ये कि इस बढ़ते जलस्तर ने आसपास के इलाकों की मुश्किल बढ़ा दी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है उत्तराखंड के चमोली में। बारिश पिछले 48 घंटों से और 48 घंटों से जारी बारिश का असर ये कि नदी उफान पर है, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वजह से हाईवे को भी जो रास्ता वहां से गुजर रहा है, वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए भी खासी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से जहां एक तरफ नदी उफान पर है तो दूसरी तरफ जो पहाड़ है वो भी दरक रहे हैं। पहाड़ का मलबा आने से कई गाड़ियां हाईवे पर फंसी हुई दिखाई दी, लेकिन देखिए किस तरीके से अलकनंदा नदी उफान पर है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर खासा नुकसान पहुंचा। पहाड़ की तस्वीर भी अब जरा देख लीजिए, हाईवे की तस्वीर दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं और पहाड़ का जो मलबा है वो दरक कर हाईवे पर आ गिरा और रास्ता बाधित हो गया। कई गाड़ियां यहां पर रुकी रही। एक तरफ तेज बारिश और तेज बारिश के बीच पहाड़ का गिरता मलबा, जिससे आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर आ गिरे थे और इस वजह से जो पूरा रास्ता है वो बाधित हो गया था। हालांकि यहां से जो लोग गुजर रहे थे उनकी गाड़ियों को जरूर नुकसान पहुंचा, लोग इसकी जद में नहीं आए, ये एक बड़ी राहत रही। और ये देखिए कुछ और तस्वीरें आपके सामने, कई गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी मलबे के बीच दलदल में, जो आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि जबरदस्त मलबा हाईवे पर आ गया था और इस वजह से दलदल जैसे हालात पैदा हो गए थे जहां फंसकर ये गाड़ियां रह गई। कहीं पहाड़ के पत्थर गिर रहे थे और इस वजह से भी गाड़ियों का आगे बढ़ पाना बेहद मुश्किल लग रहा था। ये देखिए किस तरीके से जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा इस गाड़ी को, और ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि कई और गाड़ियों को भी इस बीच नुकसान पहुंचा है। अब ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नदी के किनारे फंसा ट्रक, किस तरीके से नदी के किनारे ये ट्रक फंस गया था, क्योंकि एक तरफ अलकनंदा नदी उफान पर और दूसरी तरफ हाईवे जहां से आवाजाही हो रही थी वहां पर पहाड़ का मलबा आ गिरा था और इस वजह से किनारे पर ये ट्रक फंस गया था। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तेज बहाव में एक ट्रक डूब गया था। तो 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हाईवे पर मलबा तो उफनती अलकनंदा नदी भी मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दी। और ये देखिए एक बार फिर से हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इनको दिखाने का मकसद यही है कि किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं चमोली में, जहां पर पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है और इस वजह से एक ट्रक जो डूबता हुआ दिखाई दिया। और अब ये तस्वीर ऋषिकेश की हम आपको दिखा रहे हैं, ऋषिकेश में भी लगातार बारिश हुई है जहां पर, तो कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से गंगा, अलकनंदा, पिंडर समेत कई नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है, वहां पर त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट समेत कई जो घाट है वो पानी में डूबे दिखाई दिए। गंगा में जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी गहरा गया है। तो ऋषिकेश में गंगा किनारे जो घाट हैं पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जो निचले इलाके हैं वहां पर तो और खतरा मंडरा रहा है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि निचले इलाकों में सबसे पहले जो बाढ़ का पानी है वो रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और ऐसे में खतरा सबसे ज्यादा वहां पर मंडरा रहा है। लेकिन अभी तक की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
भारी बारिश की वजह से जलस्तर अलग अलग नदी में, जहां एक तरफ अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है, और इस वजह से गंगा किनारे जो निचले इलाके बसे हुए हैं वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें आपके सामने ऋषिकेश की। आपको यह भी बता दें कि गंगा, अलकनंदा, पिंडर समेत कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं, और इस वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। तो खतरनाक स्तर पर जलस्तर के पहुंचने से जो आसपास के इलाके हैं, खासकर जो निचले इलाके हैं, जो गहराई वाले इलाके हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अगर जलस्तर और बढ़ता है तो पानी रफ्तार के साथ उन इलाकों की तरफ रुख करेगा, और ऐसे में वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ जाएंगी। तो आफत की ये बारिश है, और इस बीच ये ऋषिकेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट हैं यहाँ पर, और वो पूरी तरीके से डूब गए हैं, यानी संकेत साफ है कि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान को क्रॉस कर चुका है, यानी खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है गंगा नदी का जलस्तर। और इस सबके बीच जो सबसे बड़ा खतरा है, जो सबसे बड़ी मुसीबत है, वो है निचले इलाकों पर, निचले इलाके, वो इलाके जो गहराई वाले इलाके हैं, और अगर ये जलस्तर और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट यहाँ पर डूब चुके हैं, लेकिन अगर ये जलस्तर और बढ़ता है तो फिर सीधा ये जो जलस्तर है, ये जो पानी है, वो रुख करेगा निचले इलाकों की तरफ और वहां पर बाढ़ आ सकती है। इस सबके बीच ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे नदियां उफान पर है, और नदियों के उफनने की वजह है लगातार हो रही भारी बारिश। एक तरफ चमोली में 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, और भले ही बारिश लगातार हो रही है कुछ इलाकों में, लेकिन नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, और इस वजह से जहां जहां से होकर ये नदियां गुजर रही हैं वहां वहां खतरा जाहिर तौर पर मंडरा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें ऋषिकेश की, जहां गंगा किनारे पानी में पूरी तरीके से ये घाट डूब चुके हैं, त्रिवेणी घाट हो, परमार्थ निकेतन घाट हो, या इसके अलावा कोई और जो तमाम घाट वहां पर हैं ऋषिकेश में, वो डूब चुके हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि जो जलस्तर है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, यानी खतरे के निशान को क्रॉस कर चुका है, और अगर बारिश अगर और जारी रहती है, नदियों में जलस्तर के बढ़ने का सिलसिला बना रहता है, तो फिर इन इलाकों पर, ऋषिकेश के गंगा किनारे जो निचले इलाके हैं वहां पर खतरा